नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पास, सचिन पायलट ने कहा कि ये कल्पना के परे। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, कल बीजेपी पर बोला था हमला, आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर है प्रियंका। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बड़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोप तय। टोक्यो ओलंपिक विलेज में सामने आया कोरोना का पहला केस, आयोजकों ने दी जानकारी। आज से 5 दिनों के लिए खुलेगा केरल का सबरीमाला मंदिर, नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जरूरी। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में है और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर पहुंच रही है, वहां वो रेप पीड़ित बच्चियों से मुलाकात करेंगी, उनके परिवार वालों से मिलेंगी। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चियों से रेप का मामला सामने आया था। लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्ती और प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लखीमपुर खीरी के पसगवां भी प्रियंका गांधी जाएंगी, जहां वो नामांकन के दौरान महिला से हुई बदसलूकी पर उनसे मुलाकात करेंगी। साड़ी कांड पीड़ित महिला से प्रियंका गांधी स्वयं मिलने पहुंचेंगी। अपने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरे दिन प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी जा रही हैं। कल प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी और प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का किस तरीके से अभिवादन कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कल जीपीओ गांधी प्रतिमा पे मौन धरना दिया था। उत्तर प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर, उसी के तहत जो है आज वो लखीमपुर खीरी जा रही है। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों महिला प्रस्तावों के साथ जिस तरीके से भद्रता की गई थी, उससे काफ़ी नाराजगी देखी गई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसी मुद्दे को लेकर जो है प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका की ये पूरी कवायद किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में संचार करती है ऊर्जा का, और किस तरीके से कार्यकर्ता पार्टी के जो कार्यकर्ता है किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जाते हैं, सफलता मिलती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मार्टन सिंह, प्राइम टीवी। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मार्तन जुड़ चुके हैं। मार्तन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सीतापुर रास्ते पर थी प्रियंका गांधी, कहां तक काफिला प्रियंका का पहुंच गया है? जी, अगले कुछ मिनट में, आधे घंटे के अंदर जो है ये काफिला जो है लखीमपुर पहुंचेगा। सीतापुर को क्रॉस कर चुके हैं प्रियंका गांधी। सीतापुर में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो सड़क किनारे खड़े होकर प्रियंका गांधी का, अपने नेता का, को देखने के लिए खड़े थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रियंका गांधी ने उनका अभिवादन किया और अब काफिला आगे बढ़ चुका है। सीतापुर इस समय पार हो चुका है, करीब 35 किलोमीटर दूर रह गए हैं लखीमपुर खीरी से ये काफिला, और जो है थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर माना जा सकता है कि आधे घंटे में प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच सकती हैं। लखीमपुर खीरी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उनके आगमन को लेकर? प्रियंका गांधी को जहां जहां जाना है उन जगहों पे जो है भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता मौजूद है, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से जो है पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम कराए गए हैं। और ये रास्ते में भी देखने को मिल रहा है कि जगह जगह जहां जहां से प्रियंका काफिला गुजर रहा है, वहां वहां पे पुलिस बल मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं जो है जो सुरक्षा की बातें हैं वो उसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार है। यही हाल लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में भी उन जगहों पे जहां पे प्रियंका जा सकती हैं संभावित है, उन जगहों पे बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। पहले से कार्यकर्ता मौजूद है, एक अलग तरीके का उत्साह है वहां पे प्रियंका गांधी को आने को लेकर, और देखना दिलचस्प होगा कि वहां जाकर प्रियंका गांधी किस तरीके से मिलती हैं और क्या कुछ बातें करती हैं और सरकार पे किस तरीके से हमलावर होती हैं।
बहुत शुक्रिया मातरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लखीमपुर खीरी की तरफ वो जा रही है। हालांकि लखीमपुर खीरी के रास्ते में जाते वक्त उनके तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साहवर्धन इस तरह से देखने को मिल रहा था कि आप तस्वीरों में भी देख रहे थे किस तरह से रास्ते भर में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और वो प्रियंका गांधी से खास तौर पर मिलने पहुंचे। तो कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी, जहां पर वो रेप पीड़ितों साथ ही साथ अध्यक्ष चुनाव में जिस महिला के साथ उत्पीड़न किया गया था उससे भी मुलाकात करेंगी। बढ़ते आगे, देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। पेट्रोल और 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू बाजार में डीजल की कीमत स्थिर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 101.484 रुपए पहुंच गया है, वहीं डीजल 97.45 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत अब देश भर में उच्चतम स्तर को छू रही है। इस खबर पर हमारे साथ शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद, लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है लखनऊ में कितने दिनों में शतक पार हो जाएगा पेट्रोल? जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल का रेट आए दिन बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जनता है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो लखनऊ के अंदर अभी डीजल और पेट्रोल की कीमत यह है कि 98.63 पैसा पेट्रोल चल रहा है और 90.26 रुपए में डीजल हो गया है। आए दिन जो है 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा आए दिन बढ़ता चला आ रहा है और कुछ ही दिनों में ये 100 पार हो जाएगा। शमशाद, जिस गति के साथ और निरंतर जिस तरह से लगातार जो भाव है पेट्रोल डीजल के वो बढ़ रहे हैं, उससे ये मालूम तो बेशक चल रहा है कि लखनऊ में भी शतक लगने में देरी नहीं है, लेकिन इस बढ़ते पेट्रोल और डीजल से जनता किस हद तक परेशान है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो इससे जुड़ी हुई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जुड़ी हुई तमाम चीजों की जो बढ़त होती है, महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ती है और निर्भर पेट्रोल डीजल पे बहुत ज्यादा करता है। आपको बता दें कि ज्यादातर जो है गाड़ियों से लोगों का जो समस्या है, जो काम है वो गाड़ियों से चलता है, क्योंकि जो डाले वाले हैं और जो टेबल्स वाले हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई है जिससे उनकी कीमत जो है गाड़ियों की वो बढ़ रही है, क्योंकि जब गाड़ियों की कीमत बढ़ रही थी सवारी उनको नहीं मिल पा रही, जिसके कारण जो है वो बेचारे बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। और जिनका जो काम लंबा सफर है मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो इतना महंगा तेल डलाने के बाद में वो अपनी बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तेल डलवाएं या घर का खर्च चलवाएं, इससे बड़ी दिक्कतें जनता को जो है हो रही है। कोरोना की आफत और अब बढ़ती महंगाई ने लोगों का तेल निचोड़ के रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और वो समय दूर नहीं है जब लखनऊ में भी आप पेट्रोल की जो दाम है वो शतक उसमें भी लग जाएगा। बढ़ते हैं आगे, भारत में कोरोना के संक्रमण के नए मामले की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे। रविवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,069 नए केस सामने आए, 560 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले शुक्रवार को 38,949 और गुरुवार को 41,806 नए केस आए थे। पिछले 24 घंटे में 43,916 लोगों को कोरोना से ठीक करके घर भेजा गया है। कोरोना के एक्टिव केस भी 4,00,000 से ज्यादा है। देश में 4,24,000 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या स्थिति कोरोना की देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कीर्ति कि इस समय प्रदेश में स्थिति बहुत ही नियंत्रणपूर्ण है। जब बात करें अगर जनपद अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती में एक भी केस देखने को नहीं मिल रहा है, और वहीं अगर पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 0.4% है इस समय, जो कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। 38 जिलों में से संक्रमण का एक भी केस नहीं पाया गया, जबकि 36 जनपदों में इकाई में अंक में मरीज में एक या दो मरीज पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगातार वैक्सीनेशन और तमाम ऐसी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमें हैं उसको देखते हुए ये दरें कम हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जी बिल्कुल मार्तन, लेकिन उस तरह से दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जो नेताओं का आगमन होता है या फिर कोई बड़ी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसमें किस तरह से भीड़ उमड़ती है और किस तरह से एक बार फिर से वही लापरवाहियां जो दूसरी लहर के पहले हमने देखी थी वो फिर से दिख रही है, तो उसको लेकर भी योगी सरकार लगातार किस एक्शन में है,
बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहेंगे, योगी सरकार चाहे बीजेपी की बात कीजिए चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, तो सरकार तमाम अपने कार्यक्रम करा रही है, लेकिन सिर्फ कागजों में इसको देखा जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन होगा और इसका होगा, तो कहीं ना कहीं एक सरकार की बड़ी लापरवाही है। चाहे कांग्रेस की बात करिए चाहे बीजेपी की बात कीजिए, आए दिन आपने देखा होगा तमाम यूथ ब्रिगेड की बैठकें हुई, सपा में क्या कहते हैं कार्यालय में बैठक हुई, तो वहां भी बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही थी कोरोना की, तो कहीं ना कहीं आदमी खुद लापरवाही कर रहा है, जिसका जिम्मेदार वो खुद हो सकता है, जिसको लेके तमाम बड़े डॉक्टरों ने भी कहा है कि कोरोना को खुद मत लेके आइए, ऐसा ये अपने आप में बहुत ही बुरी कंडीशन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मार्तर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की, माफ कीजिएगा अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस में हालांकि कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार के जिस तरह से कोरोना मॉड्यूल पे जो काम किया गया उत्तर प्रदेश में, जिस मॉडल पे काम किया गया, उससे कोरोना की स्थिति काबू में है। और योगी सरकार ने निर्देश पारित कर दिए गए हैं कि लगातार T3 के तर्ज पर काम करते रहना है, यानी कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के तर्ज को नहीं छोड़ना है। कोरोना के केसेस कम हुए हैं, उसके बावजूद भी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि तीसरी लहर को हम खुद एक बार फिर बुलावा नहीं भेज सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे। काफी लंबे समय से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे लूटपाट करने वाले एक ऐसे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था। बता दें कि प्रयागराज एक्सप्रेस वे से करीब 3 माह पहले ज्वेलरी और नकदी से भरे बैग को चोरी करने वाले सासी गिरोह के सरगना को GRP और RPF की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित से करीब 7 लाख की कीमत की ज्वेलरी और 25,000 की नकदी भी बरामद की गई है। ये हमारे थाने पे 13/21 एक चोरी का अभियोग था अप्रैल माह का, इसमें टोटल 7.5 लाख की चोरी हुई थी। इसमें हम काफ़ी दिनों से प्रयास थे, SRP महोदय आगरा के कुशल निर्देशों में टीमें बनाई गई और काफ़ी देर प्रयास के बाद एक चोर कल रात पकड़ा गया है, मोनू उर्फ उन्होंने, इसके पास से 7 लाख की टोटल चोरी रिकवर कर गई है। इसमें हमारी 5-6 टीमें काम कर रही थी कई दिनों से, और इसमें से सारा गोल्ड और जो नकदी है वह सारी रिकवर कर ली गई है। इसमें 5,000 रुपया, एक थाना कैंट का अभियोग था 121/21, वो भी गाजीपुर के सदरपुर कोतवाली परिसर में बकरीद और श्रावण मास को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें CO ने बकरीद और श्रावण मास को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना काल के चलते इस बार बकरीद की नमाज सादगी के साथ ईदगाह पर होगी। मीटिंग में प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, RPF के अधिकारियों ने बेहतर व्यवस्थाओं का आश्वासन दिया है। कन्नौज में हुए दोहरे अपहरण हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहृत व्यापारी और उसके नौकर को फतेहगढ़ से बरामद किया है। अपहरण करने वालों के 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज SP का कहना है कि अपहरण को अंजाम देने वाले कुछ बदमाश भी जल्द गिरफ्तार होंगे। बता दें कि गुरसहायगंज नगर के खाद व्यापारी विकास गुप्ता और उसके नौकर असलम को बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ताओं ने उसे खाद खरीदने के बहाने दुकान पर बुलाया था। दुकान खोलने के लिए जब व्यापारी और उसका नौकर शटर उठा रहे थे, तो बदमाश असलों के दम पर दोनों को सफेद बुलेरो में उठा कर ले गए थे और 30 लाख की फिरौती की मांग भी की थी, जिसपे सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कन्नौज में थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में दिनांक 15 जुलाई को एक व्यापारी का उसके एक नौकर के साथ अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल टीमें गठित कर और उस व्यापारी की सकुशल बरामदगी के प्रयास जारी कर दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर कन्नौज पुलिस द्वारा जो अपहृत हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम रामेस्टर और दूसरे का नाम भूपेंद्र है। ये फतेहगढ़ का रहने वाला है। फतेहगढ़ से ही जो अपहृत व्यक्ति है उसे उसके नौकर के साथ रिकवर किया गया। जो ये रामेस्टर है ये फतेहगढ़ का हिस्ट्री सीटर है। पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी है।
वहीं नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी के पाल तीसरी लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले 3-4 महीने को अहम बता रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर के पहले जनवरी में इसी तरह से केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ने लगे थे। विशेषज्ञों ने कहा था कि जिन राज्यों में संक्रमण पहले तेजी से बढ़ा था उसमें पहले गिरावट आएगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल के मामले में ये देखने को नहीं मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में संक्रमण में बढ़ोतरी बरकरार है। जिन 6 राज्यों में मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बात हुई उसमें जुलाई महीने के कुल संक्रमण का 80% मामले मिले हैं और 84% मौत हुई है, जो चिंता की बात है। लखनऊ में अलकायदा समर्थित गजवातुल हिंद संगठन के आतंकियों मिनहाज और मशीरुद्दीन की मदद के आरोपी मुस्तकीम शकील व मुईद के तार प्रदेश के 4 शहरों से जुड़े हुए हैं। एटीएस की पूछताछ में तीनों आतंकियों ने कई अहम राज खोले हैं। एटीएस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्व में गिरफ्तार आतंकियों की मदद करने वाले मुस्तकीम शकील व मुईद ने एटीएस को बताया कि उन्होंने प्रदेश के 4 शहरों में कानपुर, चंदौली, मुजफ्फरनगर व गाजियाबाद के लोनी से असलाह व कारतूस की खरीदारी की थी। इन असलाहों और कारतूस की मदद से वो शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले ही दबोच लिया गया। पूर्व में गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मुशीर को कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड मंजूर की है। मुस्तकीम, मुईद और शकील को 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। एटीएस आतंकियों को लेकर उनके बताए हुए 4 शहरों में ले जाकर दबिश देकर उनके बयानों की पुष्टि करेगी। सूत्रों के अनुसार टीम 5ों को साथ लेकर सबसे पहले कानपुर पहुंचेगी, जहां जाजमऊ, बेकनगंज, नई सड़क, चमनगंज और हलीम कॉलेज के आसपास पहुंच सकती है। इन्हीं जगहों पर आतंकियों की असलाह सप्लायरों से मुलाकात हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज में झूठ की अमर बेल खूब फल फूल रही है, सत्य पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। विकासवाद का थोता नारा देकर सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। सच तो यह है कि समाजवादी सरकार के समय हुए काम ही दिख रहे हैं और उन पर भाजपा की बस छाप लगाई जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना की लहर में उत्तर प्रदेश में हर तरफ तबाही मची हुई है। उस समय भाजपा सरकार गूंगी बहरी बनी हुई थी। भाजपा सरकार वैक्सीन को कोरोना का रक्षा कवच बता रही है, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश में टीकाकरण के तमाम केंद्र तक बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री की कार्यनिष्ठा की यह मिसाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। 108 102 एम्बुलेंस सेवा के अलावा डायल 100 जो अब 112 कर दी गई है। इन सभी सेवाओं को समाजवादी सरकार ने शुरू किया था और आज इनकी दशा खराब है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।